नमस्कार बच्चों वेरी गुड इवनिंग सभी को कैसे हो आप सभी लोग ऑल गुड ऑल वेल तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अनाउंसमेंट क्या है तो हाँ बच्चे मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई जर्नी लेके आ रहा हूं जो होने वाली है करेंट अफेयर्स के बारे में आप देखो करंट अफेयर्स का एक ऐसा चीज है मतलब एक ऐसा एरिया ऑफ प्रिपरेशन है जिसको लेके कोई भी बच्चा कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है क्योंकि वो एरिया ही ऐसा है जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप बच्चे को उस लेवल पे लेके आ पाओ कि वो उस बारे में कॉन्फिडेंट फील करे सब लोग खाना पूर्ति तो कर लेते हैं पर वो कॉन्फिडेंस वाला एलिमेंट कहीं ना कहीं हमारी तैयारी से मिसिंग रहता है तो हमारा इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है प्रिम्स में भी मेन्स में भी कहां कहां नुकसान होता है जैसे करंट अफेयर्स हम आखिरी पॉइंट तक रटते रहते हैं रटते रहते हैं ऐसे ही जो जी के वाला पार्ट है वहां पे भी हमको बहुत दिक्कत होती है चीजों को समझने के लिए तो ये जो आपके दो सब्जेक्ट मैटर्स हैं इनकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं ठीक है ट्वेंटी ऑफ मार्च से इन दो को लेके आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आपका करंट अफेयर्स आपका जीके इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी कोई भी किताब रटने की जरूरत नहीं होगी और ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेके जाऊंगा कि आप इतना कॉन्फिडेंस लेके जाओगे एग्जाम में कि शायद लॉ सब्जेक्ट में इतना कॉन्फिडेंट फील ना करो जितना आप करंट अफेयर से रिलेटेड या जीके से रिलेटेड टॉपिक्स में करोगे तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ फॉर द बिग इवेंट सत्ताईस तारीख को टाइमिंग सुबह सात बजे की रहेगी रोज सुबह सात बजे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे हर एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का और जो हमारा बेसिस रहेगा वो रहेगा द हिंदू का न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर या फिर बाकी जो सोर्सेज हैं जहां से हम लोग अपने लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अनाउंसमेंट और आप इसके अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करोगे और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सेशन हुआ करेंगे जिसमें करंट अफेयर्स पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा लीगल होगी जिससे आपकी लीगल प्रिपरेशन भी स्ट्रांग बनी रहे तो सारी बातों का ध्यान रखूंगा और ज्यादा बड़ा सेशन नहीं थर्टी फाइव फोर्टी मिनट पर डे अगर आप दे रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स और जीके वाला पार्ट है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बच्चों कवर हो जाएगा ठीक है खुश हो चलो अब आ जाओ आज के सेशन पे बच्चे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में हम लोग अब पहुंच गए हैं दी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के टॉपिक पर ये हमारा लेक्चर सिक्स है और एमपी जैन बुक की अगर बात करूं तो हम लोग आज कवर करने वाले हैं पेज नंबर 314 से लेकर 396 तक तो क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर की पोस्ट को बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है एग्जाम्पल प्रसा गवर्नर के अलावा हम लोग समझेंगे चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी समझना है हम लोगों को तो ये सारी बातों का आज एक अच्छा खासा डिस्कशन होगा आपको जजमेंट्स भी पढ़ाऊंगा दो लीडिंग जजमेंट्स पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम से और फाइनली हम लोग तो करते ही की वैसे ही करेंगे ठीक है शुरू करें तो सेशन शुरू करने से पहले जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि हमारा जो स्टडी आई की जुडिशरी है वो अपना नया बैच लेके आ रहा है बैच नंबर एट ये भी शुरू हो रहा है बच्चे ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ मार्च को ही और अगर आप ये कोड यूज करोगे ए बी एच आई एल आई बी तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा और आप मेरी गाइडेंस के अंदर आ जाओगे वैसे भी इसका प्राइस बहुत रीजनेबल है बहुत कॉम्पिटेटिव है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन 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 में आपको एक साल की वैलिडिटी मिल रही है और इस एक साल के अंदर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन मेजर सब्जेक्ट माइनर सब्जेक्ट लोकल लॉज जजमेंट राइटिंग आंसर राइटिंग सब कुछ कवर हो जाता है ठीक है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप चाह रहे हो कि प्रिपरेशन को एक लेवल पे लेके जाना है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो अब आते हैं आज के सेशन पे देखो आज का सेशन बच्चे थोड़ा सा तो इलेबोरेटेड है थोड़ा सा डिटेल्ड है काफी सारी बातें आप लोगों को बतानी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बात छूट जाए और कल को आपके एग्जाम में आ जाए तो आप परेशान हो तो थोड़ा सा मैं स्पीड मेंटेन करके चलूंगा हो सकता है बहुत ज्यादा इंटरेक्ट ना कर पाऊं आप लोगों से पर आप अपना ध्यान बनाए रखिएगा क्लास की तरफ मेरी तरफ और बोर्ड की तरफ यह बात की गारंटी है कि स्टेट का जो टॉपिक है चाहे स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो चाहे स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात हो वो पूरी तरीके से इस सेशन में कवर हो जाएगी ठीक है आ जाओ देखो बच्चे आज का जो हमारा मैटर ऑफ कंसिडरेशन है वो है पार्ट सिक्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सिक्स और जो आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल वन फिफ्टी थ्री से लेके आर्टिकल वन सिक्सटी तक और किस किस की बात करने वाले हैं हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नर की चीफ मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट लेवल पे है उसकी और एडवोकेट जनरल की ठीक है कोशिश करेंगे कि ये जो तीन है इनको तो कवर कर ही ले है आ जाओ सबसे पहले गवर्नर की बात करते हैं देखो बच्चे हमेशा ध्यान रखना एग्जाम परस्पेक्टिव से प्रेसिडेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नर क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा है तो बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी तरीके से इसको ट्रीट करना गवर्नर के लिए बच्चे आर्टिकल 153 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि यही कहता है कि हर एक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा हर एक राज्य के लिए एक गवर्नर होगा देर शेल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट बड़ी सिंपल सी बात है बड़ी आसान सी बात है पर एक बात याद रखना पर बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ही व्यक्ति कोई एक ही इंडिविजुअल एक से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर बन जाए तो मतलब व्यक्ति एक ही है और वो इस स्टेट का भी गवर्नर है और इस स्टेट का भी गवर्नर ऐसा पॉसिबल है तो कानून ये कहता है कि हर स्टेट का एक गवर्नर होगा पर ये नहीं कहता कि हर स्टेट का अलग आदमी गवर्नर होगा एक ही आदमी एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर रह सकता है पहली बात अब आते आर्टिकल 154 पे आर्टिकल 154 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना बच्चे स्टेट की वो गवर्नर में वेस्ट करती है अब इस बात को आप डायरेक्टली रिलेट कर लेना प्रेसिडेंट से सेंटर की केंद्र की यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर किसमें व्यस्ट करती है प्रेसिडेंट में ऐसे ही स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसमें व्यस्ट करती है गवर्नर में तो अगर इस मायने में देखें तो हमारा जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट का छोटा भाई है स्टेट के लेवल पे ठीक है क्योंकि स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उसमें व्यस्ट कर रही है पर एक बात याद रखना कई बार बच्चे इस गलती को करते हैं उनको लगता है कि हर वो चीज जो प्रेसिडेंट के लिए सही है यूनियन के लेवल पे वो सारी बातें लागू होती हैं गवर्नर पर भी ऐसा नहीं मैं मान रहा हूं सिमिलैरिटीज है प्रेसिडेंट की पोस्ट में गवर्नर की पोस्ट में काफी सिमिलैरिटीज है पर काफी डिफरेंसेस भी हैं बच्चों जैसे कि हमारा ये जो गवर्नर है ना ये डुअल रोल प्ले करता है दो रोल प्ले करता है एक तो इसका रोल वही है जो प्रेसिडेंट का होता है यूनियन लेवल पे कि ये स्टेट के नॉमिनल हेड की तरह एक्ट करता है रियल हेड तो चीफ मिनिस्टर होगा पर गवर्नर जो है वो नॉमिनल हेड की तरह एक्ट करता है मतलब हर एक राज्य का जो काम है वो इस गवर्नर के ही नाम से होता है इसी के दस्त से होता है कोई भी कानून बनाना हो कोई पॉलिसी फाइनलाइज करनी हो सब कुछ पर बच्चे केवल गवर्नर का रोल इतना सा नहीं होता है गवर्नर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो गवर्नर है ये रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है किसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी आप लोगों की काफी बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं दूसरी वाली बात को हमेशा याद रखना बच्चे गवर्नर का अपॉइंटमेंट कौन करता है अभी मैं आगे बताऊंगा आपको कि प्रेसिडेंट करता है किसके कहने पर करता है प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कौन से यूनियन वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जिसका हेड कौन है प्राइम मिनिस्टर तो ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसी है स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नर के संबंध में कि वो इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है केंद्र सरकार का राज्यों के अंदर और क्योंकि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी यह भी होती है कि वो सुनिश्चित करे कि जो राज्य की सरकारें हैं वो हमारे संविधान के हिसाब से चल रही हैं या नहीं जब मैं आपको इमरजेंसी पढ़ाऊंगा ना तो उसमें प्रेसिडेंट रूल पढ़ाऊंगा वहां पे आपको आर्टिकल 355 पढ़ाऊंगा 356 पढ़ाऊंगा 365 पढ़ाऊंगा इन तीनों आर्टिकल का सार ये है कि गवर्नर को अगर कभी भी किसी पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि उस राज्य की सरकार जिस राज्य का वो गवर्नर है वो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है तो उसके पास ये पावर है एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देंट्रल गवर्नमेंट कि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट भेज देगा कि भाई देखो यहां पे ये गड़बड़ हो रही है आप कृपया करके प्रेसिडेंट रूल लगाए तो ये जो पूरी परिस्थिति है ये गवर्नर की पोजीशन को बहुत पावरफुल बना देती है स्टेट लेवल पे ये प्रेसिडेंट की तरह नॉमिनल हेड बन के नहीं रह जाता है जैसे प्रेसिडेंट की हालत है केंद्र के लेवल पर बेचारे पे कोई रियल पावर है ही नहीं बट गवर्नर सच में पावरफुल होता है जब वो एक्ट करता है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देंट्रल रखिएगा ठीक है अगली बात पे आते हैं अगर मैं अपॉइंटमेंट की बात करूं अपॉइंटमेंट से एमसीक्यू बहुत बनते हैं प्रस के अंदर यहां पे आर्टिकल 155 इज द इज रिलेवेंट आर्टिकल सिंपली कहता है कि जो गवर्नर है उसको अपॉइंट कौन करेगा प्रेसिडेंट करेगा ठीक है प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है गवर्नर को अपॉइंट करने की पर वही वाली बात कि प्रेसिडेंट इस पावर को ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स की उसके हिसाब से करेगा तो जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेंगे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करेगा पर एक बात याद रखना गवर्नर एक ऐसा यूनिक पद है हमारे संविधान के अंदर जिसका इलेक्शन नहीं होता है यह एक ऐसा पद है यह ना ही डायरेक्टली इलेक्ट हुआ है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्ट हुआ है जैसे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड है प्राइम प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, है परलौता इकलौता नहीं बोलूंगा और भी ऐसे पद है पर ये एक ऐसा पद है जिसका इलेक्शन होता ही नहीं है ये सिंपल अपॉइंटमेंट होता है जो प्रेसिडेंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर सिंपल सी बात है कोई इलेक्शन नहीं है ना, है ना हम चुन रहे हैं ना हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जैसा मैंने आपको बताया कि पूरा रोल गवर्नर के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का है और जो वही करेगा जो उससे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करने के लिए कहेंगे ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब क्वालिफिकेशन की बात करता हूं जब गवर्नर की तो आर्टिकल आर्टिकल हो जाता है बच्चों कि कितने क्राइटेरिया पड़े प्रेसिडेंट बनने के कितने क्राइटेरिया पड़े गवर्नर बनने के बस दो क्राइटेरिया है बेटा क्या क्या है भारत के नागरिक होने चाहिए आप और आपकी जो उम्र है आपकी जो एज है वो पैंतीस साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए अगर आप इन दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहे हो और आपका नाम का प्रपोजल आ रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से तो भाई प्रेसिडेंट आपको गवर्नर बना सकता है अपॉइंट कर सकता है अब यहीं से देखो प्रैक्टिकल बात बताऊंगा छोटी सी क्योंकि गवर्नर एक ऐसी पोस्ट है जिसके अपॉइंटमेंट में पूरा एक्सीक्यूटिव एक, एक्सक्लूसिव कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो आप कई बार देखोगे कि राज्यों में जो गवर्नर बनते हैं वो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो उस पार्टी को बिलोंग करते हैं या करते थे जो पार्टी केंद्र में पावर में है क्योंकि पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल गवर्नर के अपॉइंटमेंट के ऊपर के केंद्र के सरकार का है इसका एक और परिणाम आपने देखा होगा वो क्या परिणाम है कि कई बार आपने देखा होगा कि राज्य की सरकारों में और गवर्नर्स में खिटपिट चलती रहती है और ऐसा ज्यादातर आपने तब देखा होगा जब उस राज्य के अंदर जो सरकार है वो उस पार्टी की नहीं है जिसकी केंद्र में सरकार है किसी दूसरी पार्टी की तब वो खिटपिट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्यों क्योंकि गवर्नर एज ए रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रहा है गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट मतलब क्या एक पर्टिकुलर पार्टी की और राज्य में सरकार है किसी दूसरी पार्टी की तो ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं हर दूसरे मौके पे तो ये जो दोनों ही इवेंट्स हो रहे हैं इसका सीधा परिणाम यहां से आ रहा है क्योंकि एक्सक्लूसिव कंट्रोल दिया गया और क्राइटेरिया क्या है भारतीय नागरिक हो पैंतीस साल हो आप बन सकते हो गवर्नर कोई टेंशन की बात ही नहीं है अब आते हैं टर्म ऑफ उफ ऑफिस पे इससे बहुत क्वेश्चन बनता है बच्चे एमसीक्यू ये है आर्टिकल 156 देखो ये दो बातें कहता है और बहुत अटपटी बातें कहता है दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी सी लगती हैं पहली बार पढ़े तो पहले तो ये कहता है कि जो गवर्नर है उसकी जो टर्म ऑफ उफ ऑफिस होगा वो पांच साल का होगा मतलब अगर कोई व्यक्ति गवर्नर बना है तो वो पांच साल तक गवर्नर रहेगा पर मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे ये ये जो टर्म उफ है ना का केवल कहने के लिए है असल में रियलिटी ये है कि कोई भी व्यक्ति जो गवर्नर बना है वो तभी तक गवर्नर रह सकता है जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा और प्रेसिडेंट के चाहने का मतलब आप समझ ही गए जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साहब चाहेंगे तभी तक कोई भी गवर्नर अपने पद को संभाल सकता है तो बच्चे ये सबसे इनसिक्योर जॉब है लिटरली <laughs> मैं मजाक नहीं कर रहा सबसे इनसिक्योर जॉब है जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है बड़ा धूमधाम से हो पर कल को अगर आपकी कोई हरकत हो गई और आपने किसी बात को नहीं माना जो केंद्र ने कहा तो आपको निकाला भी चुटकियों में जा सकता है बिकॉज ये टम वम की बात सब बेकार है कहने को है कि पांच साल का टर्म है ये पूरे टर्म में एक एक दिन एक एक घंटा एक एक मिनट आपका प्रेसिडेंट की प्लेजर पर डिपेंड करता है उसकी इच्छा पर डिपेंड करता है इस बात को दिमाग में डाल लेना आप लोग ठीक है अब ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नर खुद ही परेशान हो जाए कहे कि मेरे को करनी नहीं ऐसी जॉब की हमेशा मैं डरता ही रहूं तो गवर्नर रिजाइन भी कर सकता है अपनी पोस्ट से और रेजिग्नेशन किसका जाता है गवर्नर का किसके पास जाता है प्रेसिडेंट के पास देखो इसमें रेजिग्नेशन में कभी कंफ्यूज मत होना हमेशा याद रखना जिसने किया है है उसी के पास रेजिग्नेशन जाएगा ठीक बहुत ज्यादा उसमें परेशान होने वाली बात होती नहीं है क्लियर कट सिचुएशन होती है कि प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट कर रहा है तो प्रेसिडेंट पे ही रेजिग्नेशन जाएगा ठीक है क्लियर सी बात है अब बढ़ते है आगे अब देखो कंडीशन ऑफ सर्विस की बात करें कंडीशन ऑफ सर्विस की मतलब क्या क्या मेन शर्तें रहती हैं काम करने की गवर्नर की आर्टिकल 158 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस बारे में ये कहता है कि गवर्नर अगर आपको बनना है तो ये जरूरी है कि आप ना ही लोकसभा के मेंबर होने चाहिए ना ही आप राज्यसभा के मेंबर होने चाहिए और ना ही आप किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हो सकते हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो सकते हो ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मतलब ना ही केंद्र लेवल पर ना ही राज्य के लेवल पर किसी भी रूप से आप विधायिका का लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बन सकते लोकसभा का भी नहीं राज्यसभा का भी नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी नहीं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी नहीं और अगर आप हो उसके मेंबर और मेंबर होते हुए आपको गवर्नर के तौर पे नियुक्त कर लिया जाता है आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो उसका सीधा परिणाम यह होगा कि यह मान लिया जाएगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं इट वुड बी प्रिज्यूम्ड कि जैसे ही आपने गवर्नर होने का कारभार संभाला तो आपका जो पद था उस लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर वो वही के वही खत्म हो गया मतलब ये मान लिया जाएगा कि आपने अपनी सीट खाली कर दी है ठीक है तो गवर्नर किसी भी विधायिका का पाठ नहीं हो सकता है और अगर वो है तो उस पद को खाली मान लिया जाता है जैसे ही वो गवर्नर होने का कारभार संभाल लेता है सिंपल सी बात है और एक चीज तो सब बच्चे सभी पदों में कॉमन है इसको तो रट लो देखो एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना और एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाली बात ये हर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में आपको लिखी मिल जाएगी तो कभी भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की क्वालिफिकेशन या डिस्कालिफिकेशन डिस्कस करो इनको तो अपने आप लिख देना इस पर केस मैं करा ही चुका हूं आपको जया बच्चन वाला ठीक है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है कोई भी गवर्नर अब देखो ओथ और अफॉर्मेशन को देखो अगर कोई व्यक्ति गवर्नर बन रहा है तो उसको क्या ओथ लेनी पड़ेगी तो ओथ का आर्टिकल है 159 ध्यान से सुनिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग है इसकी काफी इलेबोरेटेड है गवर्नर की सबसे पहली ओथ लेगा गवर्नर कि वो उसका जो ऑफिस से रिलेटेड काम है उसको फेथफुली करेगा निष्ठा के साथ करेगा तो उसका जो गवर्नर होने के नाते जो जिम्मेदारियां बनेंगी उनको अच्छे से निभाएगा अब देखो दूसरी देखो गवर्नर इस बात की भी शपथ लेता है कि वो प्रिजर्व करेगा प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा किसको संविधान को और कानून को अब यहीं से बात निकल के आती है वही रिपोर्ट वाली कि ये बात ठीक है कि वो केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव है ये बात ठीक है कि वो राज्य का भी भला चाहता है पर गवर्नर होने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप भारतीय संविधान की सुरक्षा करते हैं इसीलिए ये भाषा लिखी हुई है आर्टिकल 355 में सिक्सटी में कि अगर स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही है तो गवर्नर के पास ये राइट है कि वो इस बारे में रिपोर्ट भेज दे वो यहीं से निकल के आती है इसी ओथ से निकल के आती है और तीसरा देखो यहां पे कई बार कॉन्ट्राडिक्शन होता है ओथ लेता है गवर्नर कि वो अपने आप को पूरी तरीके से डिवोट करेगा किस चीज के लिए डिवोट करेगा उस राज्य के जिस राज्य में वो गवर्नर बन रहा है उसकी सेवा में और वहां के लोगों के भले में वेलबींग में अब कई बार ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है कि जब गवर्नर कोई भी एक्शन लेता है राज्य सरकार के खिलाफ तो बोला जाता है कि वो अपनी इस ओथ को वायलेट कर रहा है पर बच्चे ये बात बिल्कुल सकमस्टांसिस पे डिपेंड करती है कि किस सकम में गवर्नर सही कर रहा है या गलत कर रहा है ऊपरी तौर पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है क्योंकि जरूरी नहीं है राज्य सरकार जो कर रही हो और जिसे करने से गवर्नर रोक रहा हो वो लोगों के भले के लिए ही हो तो यहां पे गवर्नर इस बात की ओथ नहीं लेता है कि वो राज्य सरकार की सेवा करेगा या राज्य सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स की सेवा करेगा नहीं वो राज्य सर राज्य के लोगों की भलाई की शपथ ले रहा है राज्य के लोगों के भले की शपथ ले रहा है तो हो सकता है कि वो भले ही एक्शन ले रहा हो राज्य सरकार के खिलाफ पर उसमें भी राज्य के लोगों का भला ही निहित हो तो ये वाली जो बात निकल के आती है ना वो बिल्कुल गलत है ठीक है तो क्या क्या तीन वो है उसकी ओथ है फेथफुली एग्जीक्यूट एग्जीक्यूटिव ऑफिस प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड डिवोट हिमसेल्फ टू दी सर्विस एंड वेल वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ दी स्टेट ठीक है समझ में आ गया अब देखो यहां से एमसीक्यू बनेगा ये जो ओथ है ओथ दिलवाता कौन है गवर्नर यहां पे कई बच्चे प्रेसिडेंट लिख के आ जाते हैं क्यों क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट किया है पर बच्चे ऐसा नहीं है जब भी गवर्नर को ओथ की बात आएगी तो चीफ जस्टिस अब ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वाला चीफ जस्टिस नहीं उस राज्य का जो हाई कोर्ट है जिस राज्य में वो व्यक्ति गवर्नर बन रहा है उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो ओथ दिलवाता है बेटा और अगर किसी भी कारण चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो उस हाई कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है चीफ जस्टिस के बाद वो ओथ दिलवाता है ये बात प्रेसिडेंट के बारे में भी याद रखना आप कि प्रेसिडेंट को भी आपके ऑप्शन है गवर्नर में चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट उस राज्य के हाई कोर्ट का और अगर वो नहीं है तो जो सीनियर मोस्ट जज है ठीक है क्लियर है इस बात में आप कंफ्यूज मत होना कभी अब देखो बहुत मजेदार बात आपको बताऊंगा और यहां से शॉर्ट नोट बहुत पूछा गया है देखो गवर्नर के पास प्रेसिडेंट की ही तरह एक बहुत बढ़िया पावर होती है पार्डन ग्रांट करने की अब ये पार्डन की पावर क्या है अभी समझाऊंगा पहले प्रोविजन देखो आर्टिकल 161 आर्टिकल 161 कहता है कि कोई भी जो गवर्नर है किसी भी राज्य का उसके पास पावर है क्या क्या पावर है पार्डन ग्रांट करने की रिप्राइव ग्रांट करने की रेस्पाइट ग्रांट करने की रेमिशन ग्रांट करने की और कम्यूटेशन ग्रांट करने की किसी भी व्यक्ति को जिसको सजा दी गई है किसी भी कानून के अंदर बशर्त है वो जो कानून है जिसके अंदर सजा दी गई है वो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर गिरता हो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इसको आखिरी में समझाऊंगा पहले इन सबको समझ लो कि पावर है क्या पहले इसको समझ लो अब देखो ये जो आपको शब्द दिख रहे हैं अपने सामने ये शब्द एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं पर हल्का हल्का सबका फर्क है ध्यान से देखिएगा जैसे जो सबसे पहला शब्द है पाडन करना ये सबसे इलेबोरेटेड पावर है मतलब गवर्नर चाहे तो किसी व्यक्ति को जिसको कानून के अंदर सजा दी गई है जो भी सजा दी गई हो उसको पूरी तरीके से माफ कर सकता है पूरी तरीके से माफ कर दे कि जा जी ले अपनी जिंदगी ये होता है पार्टन मतलब कोई लाइबिलिटी नहीं है ए टू जेड मतलब ऐसा माना जाएगा कि जैसे उस व्यक्ति ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं उसके खिलाफ कभी कोई फैसला आया ही नहीं उसे कभी कोई सजा हुई नहीं ये पावर है पार्टन की बहुत इलेबोरेटिव पावर है दूसरी है रिप्राइव की पावर रिप्राइव की पावर बहुत लिमिटेड सर्कमिस्टांसिस में यूज होती है जैसे मानो कि कोई व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा दी गई है फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए अब रिप्राइव के अंदर गवर्नर यह कर सकता है कि उसकी फांसी की सजा को टाल दे एक महीना टाल दे दो महीना टाल दे छह महीना टाल दे उसका कुछ भी रीजन हो सकता है हम रीजन में नहीं जाएंगे बस पावर को समझने की कोशिश करो कि किसी व्यक्ति को इंटरमीडिएट रिलीफ देने की कोशिश हो रही है उसको माफ नहीं कर रहा उसकी सजा खत्म नहीं कर रहा उसको यह नहीं बोल रहा कि आजाद हो आप नहीं उसको बस एक छोटा मोटा टेम्परेरी नेचर का रिलीफ दे रहा है उस पनिशमेंट से जैसे फांसी की सजा को टाल देना इसके बाद आता है रेस्पाइट रेस्पाइट एक ऐसा पावर है जिसके अंदर गवर्नर क्या करता है गवर्नर किसी व्यक्ति की सजा को कम करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को पनिशमेंट हुई है लाइफ लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ है फॉर एग्जाम्पल तो उसकी सजा को कम करके दस साल कर देगा किसी को दस साल की हुई है उसको कम करके सात साल कर देगा सात साल हुई है उससे कम करके पांच साल कर देगा और यही सेम मतलब होता है रेमिशन का भी रेमिशन का भी मतलब यही है कि कोई पनिशमेंट दी गई है उसको कम कर रहा है ठीक है वही सेम ये बीस से दस कर दिया दस से पांच कर दिया ऐसे करके अब आप सोचोगे कि सर फिर दो शब्द क्यों इस्तेमाल करें फर्क है छोटा सा देखो जब भी रेस्पाइट की पावर एक्सरसाइज करता है गवर्नर उसके पीछे हमेशा स्पेसिफिक रीजन होता है हमेशा एक स्पेसिफिक रीजन होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल की कोई व्यक्ति है ठीक है जैसे कोई महिला है फॉर एग्जाम्पल ठीक है और वो प्रेग्नेंट है ठीक है और उसको जो सजा हुई है वो ज्यादा नहीं हुई है उसको सजा हुई है मानो छ महीने की या एक साल की कोर्ट ने बोला कि इसको तीन महीने में छोड़ दो क्या किया सजा का नेचर नहीं बदला जाएगी अब भी वो जेल पर उसका ड्यूरेशन कम कर दिया और स्पेसिफिक रीजन की वजह से किया कि वो प्रेग्नेंट है फॉर एग्जाम्पल पर रेमिशन में ऐसा नहीं है रेमिशन एक जनरल पावर जिसके अंदर कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि इस व्यक्ति को ज्यादा सजा दे दी गई है या फिर सजा को देखते हुए उसका बिहेवियर उसका नेचर बेहतर हुआ है वो व्यक्ति सुधार कर रहा है तो उसकी सजा को कम करते हैं तो कोई स्पेसिफिक रीजन या कुछ आपको स्पेशल दिखाने की जरूरत नहीं है किसमें रेमिशन और आखिरी में आता है कम्यूटेशन कम्यूटेशन की क्या खास बात है इसके अंदर जो पनिशमेंट है उसका नेचर ही बदल दिया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा दी है गवर्नर यह कह सकता है कि आपकी फांसी की सजा को बदलकर मैं लाइफ इंप्रिजनमेंट कर देता ऐसा भी हो सकता है किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट छोड़ो किसी को इंप्रिजनमेंट की सजा हुई है उसे जेल जाना है उसको कह सकता है चलो तुम फाइन दे दो तो वो सजा तो कम कर ही रहा है उसका नेचर बदल दे रहा है आप समझ पा रहे हो रेस्पाइट रेमिशन और कम्यूटेशन में फर्क रेस्पाइट रेमिशन में नेचर नहीं बदल रहा पहले 20 साल के लिए जेल जाना था अब 10 साल के लिए जेल जाना है जेल दोनों में जाना है पर कम्यूटेशन में नेचर ही बदल जा रहा है पहले फांसी होनी थी अब जेल जाना है पहले जेल जाना था अब फाइन देना है तो नेचर इस चेंजिंग किसके अंदर कम्यूटेशन के अंदर ये पांच जो एस्पेक्ट हैं ये सारे के सारे गवर्नर की पार्डनिंग पावर के अंदर गिरते हैं ठीक है क्लियर है यहां तक अब आते आखिरी बात गवर्नर की ये जो पावर्स हैं सारी की सारी वो बेटा केवल उन्हीं कानूनों के संबंध में कर सकता है जिन कानूनों के संबंध में स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है ऐसा क्यों लिखना पड़ा क्योंकि भाई प्रेसिडेंट साहब भी तो बैठे हैं हमारे केंद्र में प्रेसिडेंट साहब भी तो बैठे हैं और प्रेसिडेंट साहब के पास भी यही सेम टू सेम पावर्स हैं सेम टू सेम पावर्स हैं वो भी पार्डन कर, कर सकते हैं रिप्राइव कर सकते हैं रेस्पाइट कर सकते हैं रेमिशन कर सकते हैं कम्यूट कर सकते हैं तो बंटवारा करना पड़ेगा ना तो प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं उन कानूनों के संबंध में पार्डन करते हैं जिसके बारे में यूनियन की केंद्र की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है और गवर्नर साहब इन पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं उन कानूनों के संबंध में जिसमें स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करती है तो इस तरीके से बंटवारा किया गया है अभी एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव पावर क्या है

तो केंद्र ही लागू करेगा तो क्या हो गया यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर हो गई उस कानून के ऊपर तो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेगा पार्डनिंग पावर ऐसे ही किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर राज्य ने कानून बनाया तो राज्य ही लागू करेगा तो राज्य की एक्सिक्यूटिव पावर एक्सटेंड होगी उस कानून के ऊपर तो गवर्नर साहब एक्सरसाइज करेंगे पार्डनिंग पावर उसके रिलेशन में आ गया समझ में क्लियर आसान सी बात थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब एक और इंपॉर्टेंट पावर ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये मैंने आपको प्रेसिडेंट की भी पढ़ाई थी आर्टिकल 213 अब देखो ऑर्डिनेंस की जो पावर है वो बिल्कुल सिमिलर है जैसे प्रेसिडेंट साहब की थी मतलब ऑर्डिनेंस का क्या है कि एक कानून की जरूरत है अर्जेंसी है और उस समय पे जो विधायिका है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अगर केवल असेंबली है उस स्टेट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल अगर दोनों हैं किसी स्टेट में दोनों ही सेशन में नहीं है और ऐसी परिस्थिति में किसी कानून की जरूरत पड़ रही है तो गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी करके उस कानून को ला सकता है और वो जो ऑर्डिनेंस है वो बिल्कुल कानून की तरह ही काम करेगा उसके लागू होने में कोई फर्क नहीं होगा बस यही छोटी सी बात है कि ये जो ऑर्डिनेंस है उसकी वैलिडिटी लिमिटेड होती है जैसे ही सदन सेशन में आएगा ये एक समय के बाद खत्म हो जाएगा ठीक है अगर इसको कानून में कन्वर्ट नहीं किया गया ठीक है यह सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का अब आप कहोगे सर फिर इसमें कुछ खास है गवर्नर में हाँ, खास परिस्थितियां ऐसी हैं जिन परिस्थितियों के अंदर गवर्नर चाह के भी ऑर्डिनेंस नहीं ला सकता प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना तीन स्थितियां ऐसी हैं ध्यान से देख लो यहां से क्वेश्चन आता अगर वो जो ऑर्डिनेंस लाने की सोच रहा है गवर्नर वो किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में है कि अगर उसके बारे में कानून बनाया गया होता विधायिका के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा तो प्रेसिडेंट का प्रीवियस सेंक्शन लेना कंपलसरी होता मतलब प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेना जरूरी होता अगर वो ऐसा सब्जेक्ट मैटर है कि विधायिका को भी कानून बनाने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होती तो गवर्नर भी ऑर्डिनेंस उसके बारे में नहीं ला सकता जब तक उसके पास प्रेसिडेंट की परमिशन ना हो ये पहली ऐसी सिचुएशन कि जब तक प्रेसिडेंट हां नहीं बोलेगा तब तक ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता गवर्नर दूसरी सिचुएशन कि एक ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में कान ऑर्डिनेंस लाने की सोच रहा है गवर्नर जिसमें प्रायर परमिशन की तो जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट की पर अगर नॉर्मल कानून बनाया गया होता विधायिका के द्वारा तो गवर्नर क्या करता उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व जरूर करता ये कौन से टॉपिक्स होते हैं ये सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं ऐसे टॉपिक्स जहां पर केंद्र में और राज्यों में तनातनी थोड़ी सी बनी रहती है तो यहां पे वो सब्जेक्ट मैटर ऐसा नहीं है जिसमें प्रेसिडेंट की प्राय परमिशन होना बहुत जरूरी है प्राय परमिशन नहीं होगी तो कानून बना ही नहीं पाती विधायिका नहीं यहां पे विधायिका कानून बना तो सकती थी अगर बनाती प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना पर विधायिका बनने के बाद कानून बनने के बाद जो गवर्नर है वो उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करता अगर ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे कानून है तो भी गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी नहीं करेगा जब तक प्रेसिडेंट की परमिशन ना मिल जाए क्योंकि इन एनी केस कानून भी बनाती असेंबली तो वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करता ही करता तो यहां पे भी आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी पर आप पहले और दूसरे में फर्क समझ गए पहले में प्रीवियस सेंक्शन होना जरूरी थी कानून बन ही नहीं सकता था प्रीवियस के बिना। दूसरे में यह सिचुएशन नहीं है दूसरे में गवर्नर उसको रखता कंसिडरेशन के लिए ठीक है और तीसरी और आखिरी सिचुएशन कि अगर वो एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर अगर विधायिका ने कानून बना भी दिया होता वो कानून तब तक लागू नहीं हो सकता था तब तक इफेक्ट में नहीं आ सकता था जब तक प्रेसिडेंट अपनी परमिशन नहीं दे देता तो ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में भी अगर आपको ऑर्डिनेंस लाना है गवर्नर को अगर बच्चों ऑर्डिनेंस लाना है तो उसको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी अब ये भी कंफ्यूजिंग लग रहा है पहले वाले से फर्क पहले वाले में प्रीवियस सेंक्शन चाहिए मतलब आप कानून के बारे में चर्चा ही नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं तीसरे सिचुएशन में कानून वानून सब बन गया पर उसकी वैलिडिटी के लिए उसको लागू करने के लिए आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी तो चाहे पहली परिस्थिति हो प्रीवियस प्रियसेंशन वाली चाहे दूसरी परिस्थिति हो कि रिजर्व करना जरूरी है प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए या तीसरी सिचुएशन हो कि वो कानून ही इनवैलिड रहेगा जब तक प्रेसिडेंट की असेंड नहीं होगी इन तीनों ही सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में गवर्नर तब तक ऑर्डिनेंस प्रोमोलगेट नहीं करेगा तब तक ऑर्डिनेंस नहीं बनाएगा जब तक उसके पास प्रेसिडेंट की हामी ना हो इन तीन परिस्थितियों को छोड़ के लगभग गवर्नर के पास सेम पावर है जो प्रेसिडेंट के पास है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में ऑर्डिनेंस लाना है है तो वो ला सकता है। अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस ये वाली बात समझ में आई क्योंकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे शॉर्ट नोट आ सकता है फुल फ्लैज भी आ सकता है वी डोंट नो ठीक है क्लियर है यहां पे कोई कंफ्यूजन डाउट नहीं सुरी संजय प्रियांशु शिकी प्रतिका गौरी ऑल क्लियर डिम्पल रवि नेहा सुष्मिता सबको समझ आ रहा है बेटा दीपिका अनन्या काजल शिवम अनामिका निखिल चलो वेरी गुड थोड़ा सा आज इंटरेक्शन कम कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर ज्यादा है पर आपके भले के लिए ही है ठीक है क्योंकि जितना ज्यादा सब्जेक्ट मैटर कवर कर लेंगे उतनी तैयारी तो हमारी स्ट्रांग हो जाएगी और किसी बच्चे का नाम वाम ना ले पाऊं तो माफ कर देना बच्चों ठीक है चलो अब हमारा जो गवर्नर का टॉपिक है वो हो गया खत्म अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। बात करेंगे चीफ मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की देखो जब भी चीफ मिनिस्टर की चर्चा करोगे आप लोग आप सबसे पहले आर्टिकल 164 को पकड़ना 163 को नहीं पहले 164 को पकड़ना क्योंकि 164 वो आर्टिकल है जो कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसको अपॉइंट कौन करता है गवर्नर सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट की बात करेंगे और चीफ मिनिस्टर के अलावा जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको भी अपॉइंट करता है गवर्नर पर किसकी एडवाइस पे चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे याद आया कुछ प्रेसिडेंट के कॉन्टेक्ट में भी हमने ये सेम चीज पढ़ी है तो हमेशा याद रखना सेम पैटर्न है तो राज्य सरकार के लिए जब इलेक्शन हुए जो पार्टी जीत के आई और जो पार्टी मेजोरिटी में आई उस पार्टी का जो लीडर होगा भाइयों हो, वो बनेगा चीफ मिनिस्टर और गवर्नर उसको अपॉइंट करेगा फॉर्मली और एक बार चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया तो चीफ मिनिस्टर के कहने पर गवर्नर बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा जो मिलके बनाएंगे क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भाई सेम पैटर्न है केंद्र वाला तो सबसे पहले अपने आंसर में इस बात को लिख देना है और फिर आना है आर्टिकल 163 पे क्योंकि एक बार जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट हो गई तो चीफ मिनिस्टर बनेगा उसका हेड और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो गवर्नर है जो भी वो एक्शंस लेगा डिसीजंस लेगा वो एड और एडवाइस पे लेगा किसकी इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अब यहीं से वो ड्यूअल रोल वाली बात आ जाती है अब ये वाला जो एलिमेंट है एड और एडवाइस वाला आपको लग रहा होगा ये तो प्रेसिडेंट सेम है और है भी सेम तो बच्चे स्टेट के लेवल पे ये मान के चलो 80 से प्रतिशत, 80 90 प्रतिशत एट्टी टू नाइनटी परसेंट मुद्दे ऐसे होंगे सिचुएशन ऐसी होगी कि गवर्नर वही करेगा जो उसे स्टेट लेवल पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करने को कहेंगे तो 80 टू 90 परसेंट गवर्नर का रोल वही है जो प्रेसिडेंट का है केंद्र में पर 10 से 20 परसेंट गवर्नर का रोल ऐसा है जहां पे गवर्नर ऐसी चीजें भी कर सकता है जो सीधे तौर पर राज्य सरकार के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ होंगी और वो कौन से होंगे ऐसी जहां पे हमारा भारतीय संविधान गवर्नर को ये डिस्क्रेशन देता है कि वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करे अपने हिसाब से जैसे कि वही रिपोर्ट देना आर्टिकल 356 के अंदर समझ रहे हो यहां पे गवर्नर आजाद है तभी मैं बोल रहा हूं ना कि गवर्नर ड्यूअल रोल प्ले करता है एक रोल में तो वो बिल्कुल आधी ने हाथ जोड़ के बैठा हुआ है ऐसे चीफ मिनिस्टर के सामने और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने और दूसरे रोल में वो ऐसे छाजी तान के खड़ा है करो बताओ क्या करोगे तो वो स्प्लिट पर्सनैलिटी है गवर्नर की ठीक है क्लियर है अब आ जाओ स्टेट लेजिस्लेचर पे अब स्टेट लेजिस्लेचर को अगर आपको समझना है तो बच्चे आर्टिकल 168 को समझना पड़ेगा और ये कहता है कि हर एक राज्य के अंदर एक लेजिस्लेचर होगा जिसके अंदर एक गवर्नर साहब होंगे जैसे पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट साहब को भी काउंट करते हैं ऐसे स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर साहब को भी काउंट करते हैं गवर्नर साहब के अलावा एक सदन तो होगा ही होगा यह बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली और जो सदन होगा ही होगा जिसका होना मैंडेटरी है वो है बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बात समझ में नहीं आई तो परेशान मत हो रिपीट कर दूंगा कोई टेंशन मत लो अभी बस जो बता रहा हूं वो बस सुनते चलते मतलब जैसे पार्लियामेंट है पार्लियामेंट में तो मामला क्लियर है कि दो सदन है लोकसभा है राज्यसभा है प्रेसिडेंट है तीनों को साथ में रख दो बन गया पार्लियामेंट पर स्टेट लेजिस्लेचर के साथ ये क्लैरिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर का होना कंपलसरी है और एक सदन का होना कंपलसरी और वो कौन सा सदन है लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा ये दोनों होना जरूरी है इसके बिना स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनेगी पर इसके अलावा एक और सदन भी हो सकता है होगा जरूरी नहीं है हो सकता है वो कौन सा होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर किसी स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है तो हम क्या बोलेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन आएगा गवर्नर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल और अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे स्टेट में कौन आएगा? गवर्नर और, और बहुत ही लेजिस्लेचर माने जाते हैं कौन से वो राज्य हैं, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है जैसे आंध्र प्रदेश है बिहार है महाराष्ट्र है कर्नाटका है तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है ये कुछ गिरे चुने राज्य हैं, जिसमें काउंसिल भी है असेंबली भी है। इसके अलावा सभी राज्यों में गवर्नर काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। है? ये वाली समझ में आ गई अब, अब देखो इसके अंदर स्ट्रेंथ बताई गई है देखो लोकसभा राज्यसभा के बारे में तो स्ट्रेंथ में कंफ्यूजन था नहीं क्योंकि एक ही लोकसभा है देश में एक ही राज्यसभा है लोकसभा के बारे में बोल दिया पांच और राज्यसभा के बारे में बोल दिया 250 सौ पचास मैक्सिमम स्ट्रेंथ बात खत्म हो गई पर हमारे यहां तो कितने सारे राज्य है सबका साइज अलग है पॉपुलेशन अलग है तो हमने कुछ जनरल रूल्स बनाए हैं स्ट्रेंथ के बारे में जैसे पहला जनरल रूल है लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ये कहता है कि किसी भी राज्य के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी चाहे वो कितना भी बड़ा राज्य हो चाहे उसकी कितनी भी बड़ी पॉपुलेशन हो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सीट्स रखेंगे हम वो 500 रखेंगे तो किसी भी राज्य में 500 से ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ऐसे ही अगर कोई भी राज्य चाहे वो कितना भी छोटा राज्य हो चाहे उसकी पॉपुलेशन बच्चों कितनी ही कम क्यों ना पर कम से कम उसके अंदर साठ मेंबर्स तो रहेंगे तो कोई फिक्स नंबर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का रेंज है साठ से लेके 500 तक मेंबर्स हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द साइज डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन किसकी बात कर रहा हूं लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं आर्टिकल 170 के अंदर ठीक है अब बात करता हूं लेजिस्लेटिव काउंसिल की और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात क्या है 171 के अंदर है इसके अंदर अलग नियम चलता है इसके अंदर अलग नियम क्या है यहां पे किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो एक तिहाई से ज्यादा नहीं होगी और ये एक तिहाई किसका होगा उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली का से ज्यादा नहीं हो सकती काउंसिल की मेंबरशिप। तो फॉर फॉर अगर मेरी असेंबली तो तो में तीन सौ लोग नहीं कह रहा सौ ही होंगे मैक्सिमम सौ हो सकते हैं तो मैक्सिमम इज वन थर्ड ऑफ मेंबरशिप ऑफ असेंबली और मिनिमम क्या है मिनिमम है फोर्टी चालीस से कम मेंबर नहीं होंगे काउंसिल में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का बच्चे जो रेंज है वो क्या है चालीस से लेके वन थर्ड ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्लियर समझ आ गया समझ आ गया फटा तो फटाफट से चैटबॉक्स में टाइप करो भाई क्लियर है तो साठ से पांच सौ लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल वन सेवेंटी और चालीस से वन थर्ड आर्टिकल वन सेवेंटी वन लेजिस्लेटिव काउंसिल क्लियर है प्रतिका प्रियांशु रवि मनीष ऑल क्लियर चलो वेरी नाइस अब देखो दो और आर्टिकल हैं इंपॉर्टेंट एक है आर्टिकल 178 ये क्या कहता है कि हर एक लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर हम लोग दो लोगों को चूज करेंगे वही लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर्स चूज करेंगे उनमें से एक बनेगा स्पीकर और दूसरा बनेगा डिप्यूटी स्पीकर ये मामला लगभग लगभग लोकसभा जैसा ही है लोकसभा के लोग ही आपस में चुनते हैं उनका स्पीकर कौन बनेगा डिप्यूटी स्पीकर कौन बनेगा ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स आपस में चुनते हैं कि उनमें से स्पीकर कौन बनेगा डिप्यूटी स्पीकर कौन बनेगा फर्क आता है जब बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की आर्टिकल वन के अंदर आर्टिकल वन एटी भी ये कहता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग आपस में दो लोग चुनेंगे जिसमें से एक बनेगा चेयरमैन एक बनेगा डिप्यूटी चेयरमैन यहां पे फर्क आ जाए क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर तो काउंसिल के ही लोग दो लोगों को चुन रहे हैं एक चेयरमैन बन रहा है एक डिप्यूटी चेयरमैन बन रहा है पर राज्यसभा में ऐसा नहीं राज्यसभा में राज्यसभा के लोग मिलकर डिप्यूटी चेयरमैन को तो चुनते हैं पर उनका चेयरमैन कौन होता है फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा के मेंबर्स चुनते हैं उसको सोचो कि उसको कौन होता है वाइस प्रेसिडेंट जिसका प्रॉपर इलेक्शन हुआ होता है समझ रहे हो? ये फर्क है राज्यसभा में, में। राज्यसभा को राज्यसभा को राज्यसभा अब है? है? देखो अगर किसी भी व्यक्ति को स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो उसको कम से कम ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है जैसे उसका भारतीय नागरिक होना जरूरी है ये तो मैंडेटरी ही है अगर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनना है तो कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए अगर मुझे से चैट से बताओ, तो बताओ फटाफट से ठीक है तो एक तो भारतीय नागरिक हो गया पच्चीस साल हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए तीस साल हो गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इसके अलावा पार्लियामेंट के पास बच्चों ये पावर है कि वो कानून बना के

कंफ्यूज क्यों लग रहे हो कोई पैंतीस बोल रहा है कोई तीस बोल रहा है भाई ऐसे कैसे चलेगा चलो अब हम बढ़ते हैं अपने खुद डिसाइड करो मैं नहीं बता रहा आप बताओ मैं तो बता चुका आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में है ना चल अब स्टार्ट करते हैं आज के केस लॉस चलो बंद करो उस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं केस लॉस के बाद जो सबसे पहला केस मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं बच्चे बहुत मजेदार केस है इसका नाम है इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 का केस है ये सुप्रीम कोर्ट का बच्चा वही जो अभी मैंने आपको पार्डनिंग पावर बताया ना उसी से जुड़ा हुआ केस है क्योंकि मुझे लग रहा है उससे क्वेश्चन आ सकता है बच्चे इसमें बोला गया जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है इसमें बोला गया कि ये जो पार्डनिंग पावर होती है ना ये जुडिशियल रिव्यू का सब्जेक्ट मैटर हो सकती है पहली बात तो इस बात को मानो वैसे तो डिस्क्रेशन है गवर्नर अपने हिसाब से डिसाइड करेगा और अपने हिसाब से क्या बात है ऑन ऑब एड एंड एडवाइस ऑफ ऑफ काउंसिल मिनिस्टर सेम विद ऑल्सो प्रेसिडेंट आल्सो प्रेसिडेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं पर बच्चे जुडिशियल रिव्यू का भी स्कोप है पहली बात तो ये पर साथ में इस जजमेंट के अंदर एक बात को और बोला गया वो ये है कि जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन तो है पर जिन ग्राउंड्स पे जुडिशियल रिव्यू को एक्सरसाइज करेगा हमारा कोर्ट वो बहुत लिमिटेड है जैसे कि नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड इनको याद कर लो नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड इसका मतलब क्या है कि पार्डनिंग पावर एक्सरसाइज की तो है प्रेसिडेंट ने गवर्नर ने पर जिस तरीके से की गई है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने सही से कंसिडरेशन नहीं दी है और ये दोनों सिचुएशन है पार्डन किया हो किसी को चाहे ना किया हो दोनों ही सिनेरियो अगर उस व्यक्ति ने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया और ऐसा देख के लग रहा है रिकॉर्ड को तो ये एक जुडिशियल रिव्यू का ग्राउंड हो सकता है दूसरा है मतलब जिस तरीके से कि प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने सही इंटेंशन के साथ सही कंसिडरेशन को नजर में रखते हुए फैसला नहीं लिया है पार्डन करने का या नहीं करने का तीसरा और ये सबसे कॉमन ग्राउंड बनता है आर्बिटरीनेस देखो बच्चे हमेशा याद रखना रूल ऑफ लॉ पढ़ाया था ना आपको डाइसी का मैंने पहले लेक्चर में वहीं से निकलती है बात एब्सेंस ऑफ आर्बिटरीनेस एस्टेब्लिश रूल ऑफ लॉ कितनी भी आपको पावर दी हो चाहे एब्सोल्यूट पावर दी हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पर उस पावर को आप कभी भी बच्चों आर्बिटेरली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो. क्योंकि अगर करोगे तो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जाएगा और हमारा जो भारतीय संविधान है वो रूल ऑफ लॉ पे आधारित है तो अगर ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है वो क्लियरली आर्बिटरी है मतलब ऐसी स्थिति जहां पारन कर देना चाहिए था पर नहीं किया गया साफ साफ या फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था पर कर दिया गया है केवल आर्बिटरी एक्सरसाइज ऑफ पावर में दिस बिकम्स ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल रिव्यू और आखिरी और जो सब्जेक्ट मैटर बना इस केस का भी कि पावर को एक्सरसाइज करते वक्त गवर्नर ने या प्रेसिडेंट ने इवेंट बातों को ध्यान में रखा जैसे उस व्यक्ति की कास्ट को जाति को या फिर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एफिलिएशन को अब ये पॉलिटिकल एफिलिएशन वाली बात बहुत महत्वपूर्ण बहुत ऑब्जेक्शन उठते रहे हैं आज तक और उठते रहेंगे आगे आने वाले समय में पार्डरिंग पावर के ऊपर क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर पार्डनिंग पावर को एक्सरसाइज करेगा ऑन एड एड ऑफ 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 एंड काउंसिल काउंसिल मिनिस्टर मिनिस्टर और कौन है जिनकी सरकार है केंद्र में या राज्य में तो कई बार ऐसा देखा गया है कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब ये सरकारें इस पार्डनिंग पावर का मिस करती हैं अपनी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को पार्डन करवाने के लिए अपने फायदे के लिए तो ऐसा कई बार नजर में आया है इस केस में भी ऐसा ही हुआ तो कोर्ट ने बहुत साफ साफ बोला है कि आपने पावर एक्सरसाइज की है एक बात पर अगर आपने पावर को एक्सरसाइज करते वक्त ऐसी बातों का महत्व दिया है जिसका कोई महत्व होना नहीं चाहिए था पार्टी पावर को लेकर मेरा एसोसिएशन किस पॉलिटिकल पार्टी से क्या लेना देना है उस बात का कि मेरे को माफ किया जाएगा या नहीं या मैं किस जाति का हूं या धर्म का हूं या किस जगह का रहने वाला हूं कैसे इंपॉर्टेंट होगा कि मुझे माफ किया जाए या नहीं तो अगर जुडिशियल है. है? तो क्या क्या ग्राउंड्स बताए एक तो पहले तो ये बात बताई कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दूसरी बात ये बताए कि क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं जैसे नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड एक्सरसाइज ऑफ पावर आर्बिटरी

कि गवर्नर अगर चाहे तो किसी भी समय पर अगर उसे ऐसा लग रहा है मटेरियल के आधार पर एविडेंसेस के आधार पर कि जो सरकार अभी चल रही है वो सपोर्ट खो चुकी है मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स का मतलब अब उसको उस सदन के मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो गवर्नर के ये पास ये पावर है कि वो किसी भी समय पे फ्लोर टेस्ट करने का ऑर्डर जारी कर सकता है ये बहुत महत्वपूर्ण पावर है आपको देख के बड़ा तरस आता होगा प्रेसिडेंट पे या फिर गवर्नर पे कि ये देखो बेचारे कैसे लोग हैं कहने को हेड हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पर बेचारे अपना कुछ फैसला नहीं ले पा रहे अगर आपको इन पदों की रियल पावर देखनी है ना आपको तब देखने को मिलेगी जब सदन के अंदर सही से मेजोरिटी नहीं मिलती है जब मिली जुली तोड़ी मोड़ी सरकारें बनती हैं जो एक समय पे हमारे देश में बहुत लंबे समय तक चली वहां पर गवर्नर के पास प्रेसिडेंट के पास ये पूरा डिस्क्रेशन होता है पावर होता है कि वो किस व्यक्ति को मौका देता है अपनी मेजोरिटी साबित करने का रियल डिस्क्रेशन होता है और जिसको भी मौका दिया अगर उसने मेजोरिटी साबित कर दी तो उसकी सरकार बन जाएगी मेजोरिटी का मतलब क्या है सदन के फिफ्टी परसेंट प्लस वन लोग उसको सपोर्ट करें सिंपल मेजोरिटी चाहिए पर इतना ही नहीं ये जजमेंट क्या कह रहा है अरे आपने किसी को मौका दिया बच्चों उसकी सरकार बन भी गई किसी भी समय पर किसी भी कारणवश किसी भी एविडेंस के आधार पर गवर्नर साहब को ऐसा लग रहा है कि ये जो सरकार जिन साहब की चल रही है चीफ मिनिस्टर साहब की इनके पास अब सपोर्ट नहीं है कुछ लोग गुस्सा हो गए हैं या जिन्होंने पहले सपोर्ट किया था वो करने को तैयार नहीं है जो भी रीजन ये गवर्नर सीधा ऑर्डर जारी कर सकता है कि अभी दोबारा फ्लोर टेस्ट किया जाएगा मतलब ये चेक किया जाएगा कि इसके सपोर्ट में चीफ मिनिस्टर के सपोर्ट में अब भी फिफ्टी प्लस वन लोग हैं या नहीं फिफ्टी परसेंट प्लस वन लोग हैं या नहीं ये इंपॉर्टेंट पावर तो जस्ट बिकॉज कभी सरकार बन गई मेजोरिटी के सपोर्ट से कोई गारंटी नहीं है गवर्नर कभी भी फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दे सकता है और आपको उस समय वहीं साबित करनी पड़ेगी मेजोरिटी और नहीं कर पाए तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाओगे और गवर्नर किसका रिप्रेजेंटेटिव है केंद्र का तो कब कराना है फ्लोर टेस्ट कौन बताएगा केंद्र ये है लेवल ऑफ कंट्रोल इतना आसान नहीं है राज्यों में सरकार चला पाना ठीक है यह है बच्चे शिवराज सिंह चौहान की जजमेंट दो की ठीक है चलो आज का सेशन मतलब जो कंटेंट वाइज था वो यहां पे

मोनिका को क्लियर है सचिन श्रेया संजय विनय जिमी आकांक्षा श्रुति निशा विजय दीपिका विदुषी कोमल मोनिका प्रेम गागी रवि सलोनी सूरज जगमीत रोहित श्रद्धा मंजू सूरज सचिन रेया लक्ष्मी महक शिकी सलोनी सुष्मिता विदुषी विनय अभि मनीष विजय कुमार प्रगति रवि वर्मा रोहित चलो सबको समझ में आ गया सॉरी किसी का नाम नहीं ले पाया तो अब आते क्वेश्चन पे रेडी हो जाओ पहला क्वेश्चन हु अमंग office to the प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट Court, outgoing गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल बताओ ये तो अभी मैंने इतना अच्छे से समझाया ना कि भाई ये तो गलती करनी ही नहीं है बिल्कुल सही राहुल सब सुरभि वगैरह सभी सही आंसर दे रहे हो वेरी गुड एक भी सही आ, गलत आंसर नहीं है सब सी बोल रहे हो मतलब समझ में आ गई आप लोगों को बात है ना क्लियर है कहीं पे कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं Very nice. है वेरी नाइस ठीक है सी इसका आंसर होगा दूसरा स्टेटमेंट अबाउट बताना इनमें से कौन सी गलत है गवर्नर इज अपॉइंटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट ही holds ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ five years ही कैन बी removed अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट पासिस अजोल्यूशन फॉर इस रिमूवल बताना है कौन सा गलत है भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है वह एक एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है वह पांच साल की अवधि के लिए पद पर रहता है यदि संबंधित राज्य की विधान उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले ही भी हटाया जा सकता है गलत बताना है। वेरी गुड श्रेया लक्ष्मी विनोद रजत प्रीति लवीना शिवम सुरभि रोहित राज आकांक्षा विदुषी शहनाज प्रियंका मनीष ऋतिक प्रतिका मोनिका सलोनी वेरी गुड सूरज विदुषी बहुत बढ़िया बेटा वेरी नाइस सभी बच्चों ने एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है इसका आंसर है डी डी गलत है बाकी के तीनों सही हैं रिमूवल के पास पावर किसकी है प्रेसिडेंट के पास ही ठीक है जाओ अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल के अंदर चीफ मिनिस्टर को करते Governor 163, 164, 165, 166. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है एक सौ तिरसठ चौसठ पैंसठ छियासठ बताओ भाई आज कुछ सीक्वेंस बदला था ना मैंने क्या सीक्वेंस बदला था कौन सा आर्टिकल पहले पढ़ा दिया था कौन सा बाद में पढ़ा दिया था पकड़ लिया आप लोगों ने बिल्कुल वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया सभी बच्चे सही दे रहे हैं विजय राम स्वरूप अमन आकांक्षा रितेश लक्ष्मी वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया बेटा वेरी गुड वेरी गुड संजय सभी बच्चे सही दे रहे उसका अंसा? इसका है उसका आंसर इसका आंसर है वन सिक्सटी फोर ठीक है वन ऑफ दी फॉलोइंग स्टेट डज नॉट लेजिस्लेचर किसके पास दो सदन नहीं है यूपी के पास एमपी के पास बिहार के पास या कर्नाटक के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में दो सदन विधायिका नहीं है यूपी एमपी बिहार कर्नाटक बताओ इनमें से अरे वाह मुझे लग रहा था इसमें कहीं घूम जाओगे या टाइम लगाओगे वेरी गुड यार आप तो कब काफी स्मार्ट हो स्मार्ट हो या हो गए हो हो यार पहले से हो ठीक है चलो आंसर इज एमपी यूपी में भी है बिहार में भी है कर्नाटक में भी है। चलो फाइनली आज का हमारा एक और सक्सेसफुल सेशन खत्म अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे अभी भी भी नहीं हो तो फटाफट से स्कैन मार लो कोई प्रॉब्लम रह जाए ना क्लास में समझ नहीं आई सर आपने क्या बोला था आप मेरे को टेलीग्राम में दिल खोल के पूछो मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना चाहते हो तो फॉलो कर लो बहुत बढ़िया है ठीक है चलो थैंक यू सो मच बच्चे आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों ने जैसा देख लिया कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज भी शुरू हो रही है सत्ताईस तारीख से सुबह सात बजे तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा बच्चे मैं आप लोगों की इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हूं तो आपको भी अपनी थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी पर एक बात कहता हूं अगर रोज मेरे को सात से साढ़े सात या सात चालीस तक आप टाइम दोगे ना बेटा मैं आपका बिल्कुल डर भय नहीं निकाल दूंगा बिल्कुल स्मार्ट हो जाओगे आप करंट अफेयर्स को लेकर जीको को लेकर हर एक टॉपिक चाहे वो पॉलिटिक का हो इकोनॉमिक्स का हो सोशल साइंसिस का हो जो भी कुछ आ रहा है रिलेवेंट मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा ना कि आप कहोगे कि वाह सर हमारा तो मतलब बिल्कुल दिमाग ही खुल गया और आपकी ब्यूटी निखर जाएगी आपके लॉ के आंसर्स में क्योंकि आपका नॉलेज लेवल इतना बढ़ जाएगा ना कि मजा आ जाएगा चलो मैं आप सभी लोगों को मिलता हूं बच्चे कल शाम को साढ़े आठ बजे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जिसमें हम लोग हाईकोर्ट पढ़ेंगे और फेडरल सिस्टम को समझने की करें कोशिश करेंगे हमारे देश की थैंक यू सो मच एल सी यू टूमोरो बाय बाय एट थर्टी ठीक है और सत्ताईस से सुबह सात बजे Bye bye.